वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड। आज मैं ये वाला इंडक्शन कुकर रिपेयर करके दिखाऊंगा। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है पहले मैं देखूंगा, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा और मैं सॉल्व करूंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, पहले मैं ऑन करके देखता हूँ। मैं पहले स्विच लैंप पे दूंगा, देखिए तो ये वाला ठीक ही है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ऊपर में एक तो बर्तन रख दिया, तो अभी ऑन करके देखते हैं। हाँ, ऑन किया, ऑन हो गया। तो इसमें देखिए, अगर अच्छा होता तो एक बार ग्लो होके बंद हो जाता है, ऐसा कुछ होता है। तो इसमें कुछ नहीं हो रहा, तो ये लाइट जल रहा है एकदम बहुत कम। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, मैंने डायरेक्ट कर दिया। हाँ, देखते हैं गर्म हो रहा है या नहीं। नहीं, गर्म नहीं हो रहा है, मैं प्रेशर कुकर रेंज में रखा है, ठीक है, तो ये गर्म नहीं हो रहा है। तो पार्टी हमको बोला है ये काम नहीं हो रहा है, ऊपर में जो डिजिट वो आ रहा है मगर गर्म नहीं हो रहा है। तो मैं इसको मैं पहले खोलूँगा, ओपन करूँगा, उसके बाद देखूँगा इसमें क्या प्रॉब्लम। तो देखते रहिए मेरे साथ। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरा वीडियो पूरा एंड तक देखिए, ठीक है। तो देखते रहिए। इसमें जितना सारा स्क्रू था मैंने पूरा खोल दिया, अभी मैं ओपन करता हूँ। देखिए मैंने पूरा ओपन कर दिया, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं ये वाला पूरा खोल के पूरा ओपन करूँगा, ओपन करके देखूँगा। तो देखते रहिए मेरे साथ। तो मैंने पहले बैक कवर को हटा देता हूँ, सॉरी ऊपर का जो कांच है उसको मैं हटा देता हूँ। अभी मैं ये तीनों इसको खोलूँगा, खोल के पूरा सर्किट निकाल के पूरा बाहर करके देखूँगा। तो देखते रहिए मेरे साथ। देखिए मैंने यहाँ पर जितना सारा स्क्रू है मैंने सब खोल लिया। तो मैं यहाँ पर जो रिपेयर करके दिखाता हूँ, मेरे पास जो रिपेयर करके आता है वो मैं डायरेक्ट आपके साथ शेयर करता हूँ और रिपेयर करता हूँ, हाँ ठीक है। और जो जो प्रॉब्लम होता है मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। ये वाला अभी अभी आया है, ये भी हम रिपेयर करेंगे। तो मैं अभी पूरा बोर्ड निकाल के बाहर करूँगा, बाहर करके देखूँगा। तो देखते रहिए। मैंने पूरा ओपन कर लिया। तो अभी एक बात है, आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स रिपेयर करने के पहले आपको पूरी ध्यान लगा के देखना है, कोई जल गया है, वो कोई ब्रेक हो गया, ऐसा कुछ देखना पड़ेगा, हाँ। तो मैं भी यहाँ पर देखा है, तो यहाँ पर जो फिजिकली जो ये जो कैपेसिटर है 5 MVD, तो ये ऊपर में थोड़ा इसका जो साइज है उसमें कुछ फ़र्क लग रहा है, ठीक है। तो मैं इस कैपेसिटर को निकल के बाहर करूँगा और मेजर करके देखूँगा पहले, ठीक है, उसके बाद देखूँगा दूसरा कुछ प्रॉब्लम है या नहीं। तो देखते रहिए। तो मैंने कैपेसिटर को निकल के बाहर कर लिया। तो मेरा जो डाउट था, तो मैं अभी देखूँगा, मेजर करके देखूँगा ये सही है या नहीं, ठीक है। तो देखिए मैं मीटर को जो ओम्स रेंज है वहाँ 101 एकदम नीचे जो रेंज है वहाँ पर रख के मेजर करता हूँ। देखिए कोई कांटा नहीं हिल रहा है। तो मेरा जो अंदाजा था वो एकदम सही है, ठीक है। तो मैं एक तो नया आपको मेजर करके दिखाता हूँ, तो देखते रहिए। तो ये वाला नया कैपेसिटर है 5 MVD, मैं इसको मेजर करके दिखाता हूँ। देखिए कितना तक गया है, आप ख्याल रखिए, ठीक है, ये 100% ओके है, नया है। तो पुराना एक बार दोबारा दिखाता हूँ, देखिए इसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, तो ये ख़राब है। तो मैं ये ख़राब होने से क्या प्रॉब्लम है मैंने पहले आपको दिखाया, जो ऑन हो गया मगर गर्म नहीं हो रहा है, हाँ। तो मैं ए वाला चेंज करूँगा, तो इसके साथ साथ मैं ए वाला भी चेंज करूँगा। सिर्फ ए वाला ख़राब होने से क्या होता है ये मैं दिखाया, अभी ये खोल के दिखाऊँगा, जो ये शायद ये ठीक ही होगा। तो मैं इसको ओपन करूँगा, वो मेजर करके देखूँगा, ठीक है। तो देखिए मेरे साथ, मैंने ए वाला कैपेसिटर ओपन कर लिया। इसका वैल्यू है, देखते हैं इसका वैल्यू कितना, 0.3 MFD, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू है मैं मेजर करता हूँ,
इसमें शायद सही है, तो मैं इसको नहीं रखूँगा, मैं दोनों नया यहाँ पर डाल दूँगा। ठीक है, तो मेजर जो प्रॉब्लम है ये वाला ख़राब था, तो मैं नया लगा के ऑन करके देखूँगा काम हो रहा है या नहीं, तो देखते रहिए मेरे साथ। ये दोनों कैपेसिटर मैं यहाँ पर लगाऊँगा, ठीक है, लगाने के बाद देखते हैं, तो देखते रहिए। देखिए मैंने दोनों कैपेसिटर चेंज कर दिया इसके जगह में, तो अभी मैं ऑन करके देखूँगा, हाँ तो देखते रहिए मेरे साथ। मैंने इसको टाइट नहीं किया, जस्ट देखने के लिए मैंने ऐसे रखा है। मैं अभी ऊपर का जो ढक्कन का जो पॉइंट है उसको लगाऊँगा और ऑन करके देखूँगा, तो देखते रहिए मेरे साथ। मैंने कनेक्शन कर दिया, अभी मैं ऑन करके देखता हूँ। मैं पहले इसको बंद कर दिया, तो अभी मैं ऑन करूँगा और ऑन करके देखूँगा काम हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो देखते रहिए मेरे साथ। मैंने अभी क्या करूँगा, मैं एक बार सीरीज में देके ऑन करके दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने डाल दिया इसमें, ये वाला ऑन हो गया। मैं अभी ऑन करता हूँ, मेरा ये सीरीज में है, तो सीरीज में है तो एक बार जल के जब मैं ऑन करूँगा एक बार ऑन होके ग्लो करके बंद हो जाएगा। तो मैं ऑन किया और मैंने मोड में दे दिया, देखिए एक बार जल के बंद हो गया, तो इसका मतलब है ये इंडक्शन कुकर ओके है। तो मैं अभी डायरेक्ट दे देता हूँ, डायरेक्ट दे दिया, देखिए गर्म हो। तो इसमें जो प्रॉब्लम था, ये कैपेसिटर ख़राब था, मगर इसमें कैपेसिटर ख़राब था तो इसलिए ये गर्म नहीं हो रहा है, ये इसमें ही प्रॉब्लम है। कभी कभी आपको देखेगा जो कैपेसिटर ख़राब होने से वो IGBT ख़राब होता है, हाँ ऐसे भी आपको मिलेगा। हर सेट में अलग अलग प्रॉब्लम होता है कैपेसिटर ख़राब होने में, ठीक है, IGBT ख़राब हो सकता है, ठीक है, तो इसमें कैपेसिटर ख़राब है सिर्फ, ठीक है। तो अभी मैं पूरा कंप्लीट करूँगा, कंप्लीट करके मैं पार्टी को दे दूँगा। मैं दोबारा ऑन करके आपको दिखाते हैं, तो देखिए मैंने ऑन कर दिया, मैं ऑन कर दिया, ऑन हो गया, अभी देखिए गर्म हो रहा है, देखिए देखिए गर्म हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब मेरा काम हो गया। थैंक यू वेरी मच मेरा वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।